झोपड़ी से पानी में कूद के तैयार किया वो बांस। अपने आंखों देखी पूरी घटना को देखा? पूरी घटना देखा जी। क्या उस समय का माहौल क्या था? बहुत भयानक माहौल था। बहुत भयानक जो था सब रो ही रहा था, कोई हंस नहीं रहा था उस वक्त। अपने अपने रब को लोग याद कर रहा था जी। कौन से क्लास में है? तो कोई लोग नहीं थे, बचने का चांस था अगर दीवार नहीं रहता तो। लोग छज्जा बगा सब धिरा, लेकिन उसमें फिर भी लोग डेंगी नाव जो होता है छोटा मोटा वो सब खोल लिए। उसके बाद आगे चल के तार के पास का, तार के पास एक बांस है, बांस वहाँ पे गाड़। तो सबका हादसा पहले चला गया कि हम कैसे कूदे हम कैसे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ निजाम समीर। देखिए इस वक्त मौजूद है मधुर पट्टी गांव में, जहां पर बीते दिनों नाव हादसा हुआ था। यू क्या है मौत की नाव, जहां पर जीता जागता एक बच्चा जो है उसमें अपने आप बीती बता रहा है अफजल। उसके ज़ुबानी सुनिए अफजल किस तरह से अपने आप को बचाया। 33 बच्चों में से जो उसमें महिलाएँ थी और पुरुष थे, उसमें अपने आप को बचा कर अभी जिंदा जिता जाता यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से अफजल जो है अपने आप को बचाया और अपने परिवार के साथ में खुशी से है। कहीं ना कहीं इस गांव में गम की एक माहौल है, मायूसी छाई हुई है। लगभग 700 वोटों की गांव है और 75 साल से इस पुल की हालात है। जो मेन जो कारण था नाव हादसे का, लगभग ये पुल जो है उसका यानी मेन हादसे का कारण बना यानी पुल। अगर पुल होती तो बच्चे उस पार नहीं जाते। तो अफजल की ज़ुबानी सुनेंगे, आप बीती सुनेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को बचाया। अफजल किस तरह से आपने वहाँ संघर्ष किया और अपने आप को बचाया? जब नदी में पानी, जब नाव के अंदर पानी आने लगा, खूब हल्ला किए, जो मुझसे हुआ वो किए। हल्ला करने के बाद मांग पे मैं खड़ा हो गया, हल्ला किए खूब। लोग जो थो कोई बांस बना रहा था, कोई छज्जा बना रहा था, अगर ये नहीं रहता तो कोई लोग नहीं टूट, बचने का चांस था अगर दीवार नहीं रहता तो। लोग छज्जा बगा सब धिरा, लेकिन उसमें फिर भी लोग डेंगी नाव जो होता है छोटा मोटा वो सब खोल लिए। उसके बाद आगे चल के तार के पास का, तार के पास एक बांस है, बांस वहाँ पे गाड़े हुए जो सनी सब, तो वहीं से मैं नदी से पानी में कूद के तैयार के वो बांस। अपने आंखों देखी पूरी घटना को देखा? पूरी घटना देखा जी। क्या उस समय का माहौल क्या था? बहुत भयानक माहौल था। बहुत भयानक जो था सब रो ही रहा था, कोई हंस नहीं रहा था उस वक्त। अपने अपने रब को लोग याद कर रहा था जी। कौन से क्लास में है? 9th में। कितनी उम्र होगी आपकी? 13 साल। कौन सा गाँव है? मधुर पट्टी। तो आप अफजल की ज़ुबानी सुन रहे थे किस तरह से अफजल ने अपने आप को बचाया। इस बच्चे को जज्बा को सलाम देना पड़ेगा, क्योंकि 33 लोग थे उसमें से अपने आप को इसने जिंदा यानी आप यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं अफजल की ज़ुबानी। आप बीती सुन रहे थे, आपको देखी इसने पूरी घटना को देखा। तो हमारे साथ बने रहे ऐसी खबरों के लिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।